श्रीमती मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को बाबू जगजीवन राम और इंद्राणी देवी के यहाँ बिहार में हुआ था। मीरा ने अपनी शिक्षा दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज व मिरांडा हाउस से ग्रहण की थी। कानून में ग्रेजुएट और अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट मीरा वर्ष 1973 में भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS के लिए चुनी गई थी। इसके बाद वह स्पेन, ब्रिटेन, मॉरिशस में उच्चायुक्त रही, लेकिन अफसरशाही उन्हें रास नहीं आई और उन्होंने राजनीति में कदम बढ़ाने का फैसला किया। मीरा अंग्रेजी, स्पेनिश, हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी में प्रवीण है। मीरा कुमार ने भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता श्री मंजुल कुमार से विवाह किया और उनके एक पुत्र अंशुल और दो पुत्रियां स्वाति और देवांगना है। मीरा कुमार के पिता स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय हेतु संघर्षकर्ता तथा उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी थे और माता स्वर्गीय श्रीमती इंद्राणी देवी थी। मीरा कुमार ने अपना राजनीतिक सफर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया था। वर्ष 1985 में बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मायावती और कद्दावर दलित नेता रामविलास पासवान को पराजित करते हुए पहली बार संसद में कदम रखा था। श्रीमती मीरा कुमार 8वीं, 11वीं, 12वीं और 15वीं लोकसभा की सदस्य रही हैं। मीरा कुमार सासाराम सांसदीय क्षेत्र से लगातार दूसरी बार और कुल 5वीं बार संसद में पहुंची है। वह लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी। अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।